नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीकेडी न्यूज झारखंड और मैं पप्पू एस भारती। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के जालौर जिले के इंदर कुमार मेघवाल की। इंदर कुमार मेघवाल की मृत्यु शिक्षक की पिटाई के बाद हो गई थी, जिसके बाद पूरे देश में ये खबरें सोशल मीडिया पर फैली कि एक दलित छात्र एक शिक्षक के रखे हुए घड़े की पानी पी लिया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई, उसे मार दिया गया। तो ये खबरें जब पूरे जगह फैली तो लोगों में एक तरह का उबाल देखने को मिला, और इसी उबाल के कारण राजस्थान के करीब 12 पार्षदों ने, कांग्रेस के पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया। कई विधायक सांसद, कांग्रेस पार्टी के सांसद विधायक खुद अपनी ही पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए, सब सड़कों पर भी उतरे और जम करके अपने ही सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। और इन सब के बावजूद एक नई खबरें सामने आ रही है कि इंदर कुमार मेघवाल की मृत्यु घड़े की पानी पीने के कारण नहीं हुए, बल्कि दो दोस्तों के बीच लड़ाई हुई और जिसमें छेल सिंह उनके शिक्षक हैं, उन्होंने पिटाई की और उसकी मृत्यु हो गई। तो ये दोनों चीज़ें आज हम आपको बताएंगे कि अगर छेल सिंह ने उसकी पिटाई की और उसकी मृत्यु हो गई, दो दोस्तों के बीच लड़ाई हुई और शिक्षक ने पिटाई की, लेकिन आपको ये चीज़ें जानकर के आश्चर्य होगा कि अगर कोई भी सरकार के खिलाफ कोई भी आदमी बोलता है तो वो बहुत दूर तक सोचता है, और कांग्रेस में ऐसा खास करके देखा गया है कि कांग्रेस बहुत जल्द अपनी पार्टी के खिलाफ नहीं खड़े होती है। और राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, और वहाँ के पार्षद, कांग्रेस पार्टी के पार्षद ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस के 12 पार्षद, कई विधायक और वहाँ के कद्दावर नेता सचिन पायलट ने अपने ही सरकार के खिलाफ जमकर बोला है, पार्षदों ने इस्तीफा दिया है, विधायकों ने इस्तीफा दिया है। अगर घटना कुछ और होता, अगर दो दोस्तों के बीच लड़ाई हुई होती और शिक्षक ने पिटाई किया होता और उसकी मृत्यु हुई होती तो घटना इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती, क्योंकि वहाँ के जो नेता हैं वो सारी घटना को पहले जाना होगा, समझा होगा, उसके बाद ही कोई भी निर्णय लिया होगा। छात्र की जो मृत्यु हुई है इंदर कुमार मेघवाल की, वो निश्चित तौर पर शिक्षक की पिटाई के बाद हुई है, लेकिन ये चीज़ें तो सभी कोई मान रहे हैं, सब लोग मान रहे हैं कि हाँ शिक्षक ने पिटाई की और उसकी मृत्यु हुई, लेकिन उसमें घटना में जो ट्विस्ट ला रहे हैं कि शिक्षक के द्वारा पिटाई, दो दोस्तों के बीच में लड़ाई हुई थी, दो छात्रों के बीच में लड़ाई हुई थी जिसके बाद की गई थी, लेकिन घटना वो नहीं है। घटना यही है कि दलित छात्र के द्वारा घड़ा की पानी पिया था और जिसके बाद शिक्षक ने पिटाई की थी। ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि कोई भी पार्षद, विधायक या वहाँ का बड़ा नेता कोई भी निर्णय लेगा, अपनी पार्टी के खिलाफ बोलेगा, तो ज़रूर उस घटना की सच्चाई को पहले जाना होगा, और अगर घटना दो छात्र के बीच लड़ाई की होती तो घटना इतनी ज़्यादा, मामला इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता और कांग्रेस के विधायक, पार्षद और बड़े कद्दावर नेता इस्तीफा नहीं देते, अपने सरकार के खिलाफ नहीं बोलते। इसी के विरोध में आज देवघर के मोहनपुर में भी कैंडल मार्च निकाला गया और सबों ने इस घटना की निंदा की है, और आइए सुनते हैं क्या कुछ कहते हैं यहाँ के स्थानीय नेता लोग। इंद्र मेघवाल का राजस्थान में जो मौत हुआ है, उसको मार दिया गया, हत्या कर दिया, वो हत्यारा के खिलाफ हम लोग आज कैंडल मार्च किए मोहनपुर जो है हटिया में, और हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे, और जब तक वो मुजरिम का गिरफ्तार नहीं हो जाता है, जेल के अंदर बंद नहीं किया जाता है, फांसी उसको नहीं पड़ता है, तब तक हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। देख रहे हैं कि जब इतना बड़ा देश और भारत में जो संविधान बना कि पूरा जातीय मिलन हुआ, यही 10 दिन पहले आप देख रहे थे कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी, पूरा देश को दिखा रहे थे मोदी जी कि आदिवासी राष्ट्रपति बनी। जब एक दलित छात्र, 9 वर्ष का छात्र राजस्थान के जालौर जिला में, जब घड़ा छूने से उनकी जो शिक्षक थे उनका हत्या कर दिया, तब समझ सकते हैं कि भारत की संविधान कहाँ है। उस बच्चे के लिए संविधान लिखा गया था कि नहीं लिखा गया था? तो ये जो पूरे व्यवस्था, पूरे संविधान को पलटने की जो साजिश चल रही है, और उसका जो मौत हुआ उसके लिए हम लोग बहुत ही दर्दनाक मौत हुई है, उसके लिए आज हम लोग कैंडल मार्च निकाले, उनके लिए शोक सभा रखे, और उनकी आत्मा की शांति के लिए पूरा समाज मर्माहत है। और मोदी जी के शासन काल में जो ये निर्मम हत्या के खिलाफ
हम लोग बहुत ही मना उनका निंदा करते हैं। आज राजस्थान क्षेत्र के जालौन में छात्र तीसरी कक्षा के जो थे इंद्र मेघावाल, उनके साथ मारपीट किया गया। उनकी मात्र इतनी सी कसूर थी कि उन्होंने घड़ा का पानी को टच कर दिया था, जिसके कारण उनके शिक्षक जो थे इंद्र मेघावाल के जो शिक्षक थे छेल सिंह, उनको मारपीट उनके द्वारा मारपीट किया गया और मारपीट करने के बाद उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। ये काफ़ी दुखद घटना है। हम लोग इनसे काफ़ी मर्मित हैं और हम लोग चाहते हैं कि उनकी कड़ी से कड़ी सजा हो, और कड़ी से कड़ी सजा ही नहीं बल्कि उनकी फांसी की सजा होनी चाहिए उनको। भारतीय संविधान समता और समानता के आधार पर बना हुआ है, और भारत में ही मैंने जाति के आधार पर लोगों को आज मार दिया जा रहा है। इसलिए राजस्थान में जो घटना हुई है, इस घटना के विरोध में आज पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत मोहनपुर में कैंडल मार्च निकाला गया और हम लोग विरोध दर्ज किए कि भाई आज भी जो ये जातिवादी व्यवस्था है, छुआछूत की व्यवस्था है, आज़ादी हुए हम लोग इस वर्ष 75वां वर्षगांठ मनाए और आज भी अगर इस तरह की समस्या मेरे देश में है, और वैसा हत्यारा आज भी मनुवादी के पोषक के लोग आज भी अगर यहाँ हैं तो वह गलत है। इसके विरोध में उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए और इस तरह की घटना आए दिन नहीं होना चाहिए। समाज में समता की बात हो, समानता की बात हो, कहीं कोई भेदभाव नहीं हो, जाति पाति समाप्त हो।